ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास के जितने भी सोमवार आते हैं हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। भक्त अपनी इच्छा भूल करके भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा करते हैं। सावन का पूरा महीना ही त्योहारों के लिए माना जाता है। सावन के सोमवार की पूजा की जाती है, मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है, गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो सावन का एक एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी बीच में आता है सावन का सबसे बड़ा पर्व जिसे कहते हैं शिवरात्रि, भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन। और यह दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन अगर प्रेम से भगवान को एक बेलपत्र समर्पित कर दिया जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत बड़ा पुत्र धन योग बना हुआ है। इस दिन जो भी उपाय करेंगे विशेष लाभ मिलने वाला है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान को जो व्यक्ति बेर का फल चढ़ाते हैं, केले का फल चढ़ाते हैं, आग के पुष्प, खीर का प्रसाद, भांग का प्रसाद, बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान को चढ़ाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र और लेकर के उन पर ओम नमः शिवाय लिख करके और 11 पत्तों पर जय श्री राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित कर देना महाशिवरात्रि वाले दिन। महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी सारी व्याधाओं को दूर कर देंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और किस्मत आपकी एकदम बदल जाएगी। ये दिन इतना बड़ा दिन होता है कि इस दिन जो व्यक्ति उपाय करते हैं उनके जीवन में कभी निराशा नहीं आती, जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। तो इस दिन भगवान को भांग का प्रसाद और बेलपत्र जरूर समर्पित करें। भगवान प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इस दिन वैसे तो सभी राशियां भाग्यशाली हैं, लेकिन कुछ राशियां हैं जो इस दिन थोड़ी ज़्यादा शुभ रहेंगे। जिन राशियों का योग थोड़ा ज़्यादा अच्छा, इस दिन धतूरे का फल मोली लपेट की जरूर चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन कई राशियों का योग अच्छा है, कुछ राशियां जो बहुत ही शुभ हैं जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। ये राशियां हैं जो इस दिन बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगी। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा, हर मनोकामना पूरी होगी। आपको इस दिन उपाय जरूर करने हैं और संभव हो सके तो इस दिन आप व्रत भी रखें। महाकाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बहुत बड़ा दिन होता है ये, चतुर्दशी में ये व्रत रखा जाता है और बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। आप सभी भगवान की इस दिन पूजा जरूर करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।